समाना पंजाब से आ रही समाना मंडी से सराजिन कंपनी की थेरेपी सेंटर बना लोगों के लिए वरदान। हर रोज दे रहा सैकड़ों लोगों को निःशुल्क थेरेपी। पिछले 2 सालों से सैकड़ों लोग थेरेपी लेकर हुए ठीक और थेरेपी देकर बिना दवाई के किए जाते हैं रीढ़ की हड्डी का इलाज। थेरेपी सेंटर के बारे में डॉक्टर से बातचीत की गई, उनका कहना है कि सराजिन उत्तर कोरिया की कंपनी है, अब तक 530 थेरेपी सेंटर चला रही। सराजिन थेरेपी सेंटर में आने वाले मरीजों से बात की गई तो उनका कहना है कि हम काफ़ी समय से रीढ़ की हड्डी से परेशान थे और सराजिन सेंटर से थेरेपी ले रहे तो बहुत ही ज़्यादा आराम है और पैसे की भी बचत है। प्राइमरी की न्यूज चैनल के लिए समाना से ब्यूरो रिपोर्ट। देखो जी, वैसे तो ये जो सेंटर मैं चला रहा हूँ ये साउथ कोरिया की कंपनी है सराजिन। मैं फ्रेंचाइजी लेके सराजिन कंपनी से यहाँ डेमो सेंटर खोल रखे हैं, मशीनों को यूज़ कराते हैं, दिखाते हैं। अगर किसी को अच्छा लगता है प्रोडक्ट तो परचेज़ करके ले जाते हैं, जैसे एक बिजनेस है, जैसे अरे कोई दुकान है। तो ये मशीन जो है वो पांच काम करती है, जैसे कायरोप्रैटिक मसाज, एक्यूप्रेशर, FIRAs, मोक्सीब्यूशन। ये 5 पत्ती हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारा मतलब मेन स्तंभ है जो हमारे शरीर का रीढ़ की हड्डी, उसको ठीक करने में हमारी मदद करती है। और जो रीढ़ की हड्डी है उसी से सारा कुछ जुड़ा हुआ है। अगर रीढ़ की हड्डी ठीक है तो हमारा पूरा शरीर जो है वो सेहतमंद हो जाता है। तो इसी बेसिस पे जो हमारी मशीन काम करती है। यहाँ पे मुझे 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ऊपर ही हो चुके हैं। 2 साल से अच्छी तरीके से सराजिन चल रहा है, आराम आराम से लोगों को जो है। मेरा तो बिजनेस था, मैं तो डेमो देता था, पर काफ़ी लोग बोलते हैं जैसे रीढ़ की हड्डी की, मेरा तो रीढ़ की हड्डी ठीक करने का काम है, मशीन ने रीढ़ की हड्डी ठीक कर दी। पर काफ़ी लोग हैं अपनी बीमारियां लेके आते हैं, तो बीमारियां लेके आते हैं, पर मैं तो रीढ़ की हड्डी की थेरेपी देता हूं, उसी रीढ़ की हड्डी की थेरेपी से उनकी सारी दिक्कत परेशानी ठीक हो रही है। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा, आज के टाइम पे लोग अपने स्वार्थ के कारण पता नहीं कितनी मिलावटें, आप अगर देखोगे तो कितनी मिलावटें हमारे खानदान में हो रही है, कह नहीं सकते इतनी ज़्यादा। मतलब हमने भी देखा हुआ है कितनी मिलावटें करते हैं। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रॉब्लम जैसे BP, शुगर, घुटने की प्रॉब्लम, लत्ता की प्रॉब्लम, ठीक है, डिस्क प्रॉब्लम, मतलब इतनी प्रॉब्लम लेके आते हैं। और आज तक ऐसा नहीं है कि कोई दुखी होके गया है, खुशी होके गया आज तक जो भी है। मैनू 2011 च गोडे की तकलीफ हुई सी, जिहड़ी कि पहला शुरू च मैंने दवाई लिती, इलाज भी करवाया, पर वह 2011 तो हुण तक 11 साल थोड़ा बहुत कुछ ठीक होया। मैं योगा भी करता रहा, अपने आप नूं सही भी रखने की कोशिश की, चलाई गया, दवाई छड़ती सी, हफ्ते मैं एक अद्धी गोली लै लिया करता सी दर्द वाली, पर सराजिन च आके मैं हुण कोई गोली नहीं लै रहा, कोई दर्द की गोली नहीं लै रहा। मैनू जिहड़ी तकलीफ सी शुरू विच, मतलब इतों डिस्क तो लैके गोडे तक चीज़ पैंदी सी, मैं सर नूं कहा, इन्होंने कहा भी तुहाडा जिहड़ा नुक्स है वह दूर हो रहा है। मेरा वह नुक्स दूर होने तो बाद 5-7 दिनों च हुण मैं, मेरी कमर जिहड़ी है बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सीधा खड़दा। जदों मैं पहला हैगा सी तकलीफ च, तो उस टाइम मैं थोड़ा जिहा सज्जे पासे ऐ झुकया हुंदा सी, जबकि हुण मैं बिल्कुल सीधा। इस तो पहला भी तुसीं काफ़ी डॉक्टरों नूं मिले होंगे, इलाज कराया होंगे, डॉक्टरों का की कहना सी? वो तो बस उ दवाई देंगे जी, रोग में दबाने वास्ते ला लो, पेन किलर लगा लो, तो वो मैं लेंदा रहा, कुछ अपने आप में भी मतलब मेनटेन करता रहा, जिस नाल मैं 10-11 साल जी है कटे, पर इतने हूँ 4 महीने तो मैं लगातार आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा फर्क है और वैसे भी मैं तंदुरुस्ती लग रही है। सराजिन बहुत वधिया सेवा कर रही है, लोगों इतने आना चाहिए, रोज़ थेरेपी लेनी चाहिए है और अपने आप को सेहतमंद करना चाहिए है। मैं स्कूटर से गिर गई सी, मेरा एक्सीडेंट हो गया सीगा, तो मैंने किसी ने दस्या सी, फिर मैं इतने आई हूँ, मैं बहुत ठीक हो गई हाँ, उस 4 महीने सन हो गए आंदियां नूं, तो मैंने टेंशन भी बहुत ज़्यादा सी, मैं टेंशन के इलाज भी बड़े किए थे, हूँ मेरे टेंशन भी नहीं है, मैं नींदर वधी आ जाती, पहले मैं सारा दिन पई रहती सी मंजे, मैं कोई काम ना आखे ਵੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।